सो गाइस अनदर व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आ चुके हैं, ये कैंडोलियम बीच है, जस्ट रूम हमारा पीछे है वहाँ पे। तो अभी रूम से हम लोग निकल चुके हैं, नाइट वॉक कर रहे हैं। हमें श्रेया है, श्रेया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग नहा धोकर बढ़िया से फ्रेश होकर बाहर निकले हुए हैं। वहाँ का नज़ारा कैसा है एक बार तो देख आया था, अब ये 2 साल के बाद आ रहे हैं। अब 2 साल के बाद देख रहे हैं क्या चेंजिंग हुई है, कैसा माहौल हो गया, मतलब क्या है क्या नहीं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे। मैं कहूँ तो एक बार आप लोग भी आइए, घूम जाइए यहाँ पर, अभी इस टाइम माहौल अच्छा है। असल में एक चीज़ बता दूँ गाइस, पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहीं पर आए थे, और हम लोग इस टाइम यहाँ पे आए हैं मगर मजबूरी के कारण आए। हम लोग को जाना था एरम्बॉल, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो हम लोगों ने प्लान करा चलो यहीं बीच में स्टे कर लेते हैं आज रात, क्योंकि नाइट वहाँ पे रात में जाना एरम्बॉल काफ़ी दूर है, और क्या पता वहाँ पे रूम मिले ना मिले ऑन बीच। हम लोग को ऐसा रूम भी चाहिए था जो ऑन बीच पे हो, तो हम लोग को बीच पे ही कमरा मिल गया है। बस बात करते करते आगे सामने बीच आ गया गाइस, देखो इतनी दूर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बजट में कमरा मिला है, 400 रुपये का कमरा है पर पर्सन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी तो नाइट का व्यू है, ये 10 बज रहा है अभी, कुछ देख सकते हैं, ये सारी दुकानें बंद है। ये सामने बीच है, ठीक है, और सामने ये हम लोग का रूम है पीछे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज की रात यहीं पर स्टे कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ। देख सकते हैं सैंड आने लगी है, तो श्रेया को सैंडल उतरवा दी है, क्योंकि यहाँ पैदल चलने में गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब रेत है देख सकते हैं ना, जो समुंदर से आती है। नहीं अब ठीक लग रहा है? सही है, कुछ पैर में चुभे ना मेरे। हाँ तो देख सकते हैं ये है कुछ, मेरी ऊंची हिल की सैंडल थी तो मैं चल ना पाती, इसी वजह से मुझे निकालना पड़ गया। देख सकते हैं गाइस, सो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मगर यहाँ के जो रेस्टोरेंट है गाइस सब में इंग्लिश गाने बजते हैं, सारे इंग्लिश सॉन्ग। ये है कुछ ऐसे रेस्टोरेंट रिजॉर्ट, ये है गोवा के रिजॉर्ट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का नजारा है। अभी तो रात हो गई, हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से ना दिखे, मगर हम लोग कोशिश करेंगे आपको सुबह दिखाने के लिए। और बहुत अच्छे से लहरें आ रही हैं, ये है ऐसा नज़ारा आप देख सकते हैं, ये है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। और अभी हम लोग चल रहे हैं, ये गाइस पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सादा था सिंपल था, मगर अब जो है ये नाइट लाइफ बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। ऑन बीच पे आ चुके हैं, ये है बीच देख सकते हैं हम लोग, ये पीछे समुंदर है। उन्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते कैसा लग रहा है मुझे आकर यहाँ पर। 2 साल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था टोटल, यहाँ तो अब तो बहुत ही अच्छे अच्छे हो गए। जस्ट वो देख सकते हैं, वो जहाँ लाइटें जल रही हैं वो बागा बीच है, और अभी हम लोग कल वहीं पर जाने वाले हैं, उसके आगे एरम्बॉल है, एरम्बॉल पे भी जाएंगे, आप नाइट का व्यू देख सकते हैं। नहीं जा रहे हैं। वो नहीं तो लहरें देख सकते हैं गाइस कैसी आ रही हैं, लहरें यहाँ तक आ जाती हैं। ये है गाइस नाइट व्यू कैंडोलियम बीच का, नाइट व्यू पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिल रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे हम लोग अकेले हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली पीछे बैठी हुई है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं हम लोग के पीछे कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, और जस्ट लहर हम लोग के पैरों के पास आ रही है गाइस, ये देख सकते हैं ये लहर आ रही है, ये आई और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर कैसा लग रहा था बस बताओ? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, और रात का व्यू इतना तगड़ा है तो सोचो मॉर्निंग में क्या होगा। तो गाइस मॉर्निंग में आपको फुल ब्लॉग लेके आएंगे, अभी हम लोग रात की नाइट का कवर कर रहे हैं, यहाँ का व्यू जैसा कि आपको हम लोग सामने दिखा चुके हैं, ये सब रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ से कुछ भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे टेबल पे बैठ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का व्यू देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये है नाइट का व्यू जो कि बीच के किनारे की दुनिया है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं लहरें आ रही है, और ये देखिए आई लहर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे नाइट में। अभी हम लोग सुबह का अपने घर पे थे और रात में कहाँ समुंदर के किनारे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं वहाँ दूर दूर जो लाइटें चल रही हैं वो हैं शिप, जो पानी में जहाज चलते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग इन्जॉय करते हैं और आगे का दिखाते हैं, आगे का सीन। यस अबे यार हम लोग के सामने बिल्कुल रशियन नेटिव में ये है, उन्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही खराब। खराब क्यों लग रहा है? अरे यार ये सब कुछ नहीं है। तो समुद्र के किनारे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लड़कियाँ डांस कर रही थी, नहा भी रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने खूब देखा और इन्जॉय करा, और लेट नाइट खूब सारी पार्टी भी करी, और 1:30 बज रहा था तो हम लोग थक थक आके थोड़ा सा मार्केट गए, मतलब जो कैंडोलियम के गलियां थी तो वो गलियां भी घूमी हम लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली जो कि कभी
पहले ना देखी थी और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का मुआयना भी करा। तो हम लोग अभी घूम रहे हैं, तो अभी हम लोग घूम रहे हैं कैंडोलियम की गलियां और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इन गलियों में। रात ही 11 बज रहे हैं, अब जो है रात में खुली रहती है। तो गाइस सबसे अच्छी बात है, जैसे आप इस समय का टाइम हो रहा है 11 बजे, जैसे कि यूपी वगैरह में तो सब 8-9 बजे क्लोज ही हो जाता है, वो यहाँ का माहौल नहीं है। 11 बज रहा है रात का, यहाँ पे सब क्लब वगैरह खुले हैं और समुंदर में भी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले हैं जो अच्छा लग रहा है। मार्केट्स भी खुली हैं और रशियन बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा भूख लगी है। क्यों आयुष, क्या बोलते हो, क्या खा लिया? तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा पी लें और उसके बाद चलते हैं रूम पे। सो गाइस रूम पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, फिर आया रूम पर। ये सामने पास बीच पे ही रूम है गाइस। मैं एक चीज़ बता दूँ, जब 2 साल पहले हम लोग आए थे तो सामने वाला रूम लिया था, जस्ट उसके सामने ही रूम है। हम लोगों ने लिया। तो गाइस ये रूम जो है जस्ट उसके सामने ही लिया है और सामने बीच है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है, काफ़ी ज़्यादा ये सस्ते में मिला है ऑन बीच पे। तो गाइस रूम पर आ चुके हैं और रूम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब 2 साल पहले हम लोग आए थे जस्ट इसके सामने वाला हम लोगों ने रूम लिया था, जस्ट इसके सामने वाला ही फिर से मिला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है, देख सकते हो। और ये मैं रूम आप लोगों को मॉर्निंग में दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि रूम ये कितने रुपए का पड़ा और कितना ज़्यादा अच्छा है। नहा धो लिया है, काफ़ी ज़्यादा ताजगी आ चुकी है। गाइस आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अगर जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। और आप भी अगर जो गोवा विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं सबसे पहले आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।